डॉग्स देखने में कितने मासूम और प्यारे लगते हैं ना, और इसी वजह से हम में से कई लोग इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं। लेकिन क्या हो जब यही डॉग्स आपके लिए मुसीबत साबित हो जाएं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन सबसे खूनखार और खतरनाक कुत्तों के बारे में जिन्हें पालना या अपने साथ रखना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इन खतरनाक डॉग्स को तो कई देशों में बैन तक किया जा चुका है। जर्मन शेपर्ड कुत्ते की इस प्रजाति का वजन 40 किलोग्राम और हाइट 65 सेंटीमीटर तक होती है। इस कुत्ते को ज्यादातर ट्रेनिंग देकर पुलिस के कामों में मदद के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस डॉग को दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में पाला जाता है और यह कुत्ते अपने मालिक के प्रति काफी वफादार भी होते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग ना दी गई हो या पूर्णतः पालतू ना बनाया गया हो तो यह काफी खूनखार प्रवृत्ति के होते हैं। अगर इस डॉग को किसी से भी खतरा महसूस हो जाए तो यह उस पर तुरंत ही जानलेवा हमला कर देता है। वोल्फ हाइब्रिड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस कुत्ते में भेड़ियों के लक्षण भी जरूर ही पाए जाते होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कुत्ते को वोल्फ ब्रीड से क्रॉस कराया जाता है और इसीलिए इस कुत्ते में भेड़िये के कई लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते स्वभाव से बेहद ही खतरनाक और आक्रामक होते हैं। ये डॉग्स ज्यादातर जर्मनी और यूरोप में पाए जाते हैं। इन कुत्तों को पालतू बनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि अगर इन कुत्तों से इनके मर्जी के खिलाफ कोई भी काम कराया जाए तो यह कुत्ते अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते और उन पर खतरनाक और जानलेवा हमला कर देते हैं। चाओ चाओ, इस प्रजाति के कुत्ते देखने में बहुत ही क्यूट और मोटे होते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही से ट्रेनिंग ना दी गई हो तो इस प्रजाति के कुत्ते किसी को नहीं छोड़ेंगे और मासूम सा दिखने वाला यह कुत्ता इंसानों की जान का दुश्मन भी साबित हो जाता है। इनके खूबसूरत बालों के कारण इन्हें यूरोपीय क्षेत्रों में सबसे पसंदीदा कुत्तों में से एक माना जाता है। इनका वजन सामान्यतः 32 किलोग्राम और हाइट लगभग 55 सेंटीमीटर तक होती है। बॉक्सर, इस कुत्ते को ज्यादातर गार्ड डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह काफी ज्यादा वफादार होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक और जोशीले प्रवृत्ति के होते हैं। बॉक्सर डॉग का वजन 30 किलोग्राम और हाइट 60 सेंटीमीटर तक होती है। बॉक्सर कुत्ते की प्रजाति को हर दिन कम से कम एक घंटे की एक्सरसाइज करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो यह समय के साथ कमजोर होने लगते हैं। इसका स्वभाव काफी ज्यादा आक्रामक होने की वजह से इसे छोटे बच्चों से दूर रखने की सलाह दी जाती है। यह डॉग गुस्सा आने पर किसी पर भी वार कर देता है। ग्रेट डैन, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे और बड़े आकार के कुत्ते इसी प्रजाति के होते हैं। इस कुत्ते की हाइट 85 सेंटीमीटर तथा वजन 90 किलोग्राम तक का होता है। इसका आकार बड़े होने के कारण यह और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर साबित होता है। यह कुत्ते यूरोप के सिर्फ कुछ गिने चुने हिस्सों में ही देखने को मिलते हैं और इसी वजह से इनकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा होती है। यह कुत्ते खतरा महसूस होते ही सामने वाले पर हमला कर देते हैं। डोगो अर्जेंटिनो, यह कुत्ता देखने में ही बेहद भयंकर और खूनखार दिखाई देता है। कुत्ते की इस प्रजाति को यूके सहित अन्य कई देशों में पूरी तरह से बैन किया गया है। यह एक शिकारी कुत्ता है। पुराने जमाने में इन्हें शिकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और मनोरंजन के लिए इन्हें आपस में लड़ाया भी जाता था। डोगो अर्जेंटिनो नाम का यह कुत्ता बेहद ही आक्रामक होने के साथ ही काफी ताकतवर भी होता है, जिसके कारण इन्हें पालतू बनाना बेहद ही मुश्किल काम है। इनका वजन 45 किलोग्राम और हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है। डोबरमैन, यह कुत्ते सिर्फ अपने मालिक के लिए ही वफादार होते हैं तथा किसी अन्य से खतरा महसूस होने पर यह तुरंत हमला कर देते हैं। काफी वफादार और खतरनाक होने की वजह से कई जगहों पर इन्हें गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन कुत्तों का वजन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से यह फुर्तीले होने के साथ ही बहुत ही तेजी से दौड़ पाते हैं। डोबरमैन कुत्ते की इस प्रजाति को कई देशों में पूर्णतः बैन किया गया है। रॉटवेलर, इस कुत्ते का दांत और शरीर सभी कुत्तों में से सबसे ज्यादा मजबूत होता है।
कुत्ते की यह प्रजाति अगर किसी भी चीज को पकड़ ले तो वह अपने पूरे शरीर की ताकत उस चीज पर लगा देता है, लेकिन किसी भी हालत में उस चीज को नहीं छोड़ता। यह डॉग बहुत ही आक्रामक और खूनखार है, जिसने आज तक कई लोगों की जानें ली हैं। अमेरिका में इस कुत्ते की वजह से 55 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि इनके मालिक अगर इनका ध्यान ठीक तरीके से ना रख पाएं, तो यह उन पर भी हावी हो जाते हैं। इनकी हाइट 70 सेंटीमीटर तथा वजन 60 किलोग्राम तक का होता है। जापानीज टोसा। कुत्ते की यह प्रजाति लड़ाई करने में काफी मशहूर है। पुराने समय में इन्हें जापान में खूनी खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और इसी कारण इन कुत्तों को पालतू बनाना बहुत ही खतरनाक काम होता है। इसकी आवाज बेहद ही तेज और डरावनी होती है। जापानीज टोसा को यूके और आयरलैंड जैसे देशों में बैन किया जा चुका है, और इन्हें दूसरे देशों में ले जाने पर भी काफी सावधानी रखनी पड़ती है। यह कुत्ता एक दिन में कई किलो मांस खा जाता है, इसलिए इसे पालना भी आपके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इसका वजन 60 किलोग्राम और हाइट लगभग 85 सेंटीमीटर तक होती है। पिटबुल। कुत्ते की यह प्रजाति देखने में ही मौत की तरह दिखाई दे जाती है। दुनिया में कुत्तों के काटने पर होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए पिटबुल ही जिम्मेदार माना जाता है। यह कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है, जो कि अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। इस कुत्ते के कारण अमेरिका में लगभग 310 लोगों से भी ज्यादा इंसानों की मौत हो चुकी है। पिटबुल एक शिकारी कुत्ता है, जिसका वजन 30 किलोग्राम और हाइट 50 सेंटीमीटर तक ही होती है, जो कि काफी सामान्य है। इसके बावजूद भी यह कुत्ता बेहद ही खूनखार और जानलेवा है। अमेरिका में इस डॉग को पालतू बनाने पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, यूके सहित अन्य कई देशों में इस कुत्ते की प्रजाति को पूरी तरह से बैन किया गया है। तो यह थे दुनिया के सबसे खतरनाक और खूनखार वह कुत्ते, जिन्हें पालना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो क्या आप इनमें से किसी भी कुत्ते को पालना चाहेंगे? अब फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया में कुत्ते की ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिन्हें पूरी तरह से बैन किया गया है।